पर दो सरदार उस्मान बुजदार जो है वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सरदार उस्मान बुजदार जो है वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, नए कायदे ऐवान मुंतखब हो चुके हैं और पंजाब को नया वारिस मिल चुका है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार जो है वो मुंतखब हो चुके हैं और तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे यासीन मलिक। यासीन बताएगा, तब्दीली आ चुकी है? जी बिल्कुल, तब्दीली आ गई है। तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरक उम्मीदवार उस्मान बुजदार बिल्कुल कामयाब हो गए हैं, जबकि मुस्लिम नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त बिल्कुल गिनती आखिरी मरहले में है, सब बिल्कुल पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि बिल्कुल कामयाब हो चुके हुए हैं और 355 इस वक्त जो अराकीन असेंबली उन्होंने वोट डाला है और सारे वापस आ चुके हुए हैं। बिल्कुल अभी एक आध मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल वोटिंग का ऐलान कर दिया जाएगा और साफ पता चल रहा है कि वो कामयाब हो चुके हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। चेहरों पर खुशियां दिखाई दे रही होंगी यासीन मलिक, दाएं साइड पे इंसाफ के बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल कामयाब हो गए हैं इस वक्त सारे। अच्छा यासीन, नून लीग के रहनुमाओं का और हमजा शहबाज का क्या रद्द अमल सामने आया? हमजा शहबाज इस वक्त बिल्कुल अपोजिशन की एक नशिस्त उस पर बराजमान है, अकेले बैठे हुए हैं, बिल्कुल खामोश है। उनके चेहरे पर साफ पता चल रहा है कि वो हार चुके हुए हैं और इस वक्त जो एक खामोशी है, एक खामोशी तारी है, सब ये चाह रहे हैं कि जल्द अज फिगर का पता चले। अब फिगर का जल्द ऐलान होने वाला, मैं इस वक्त वाहन के अंदर मौजूद हूँ और इतफाक से इस वक्त मेरे सामने तमाम अरकिन पंजाब असम्बली बैठे हुए हैं और स्पीकर जो है बिल्कुल रेडी है। ठीक है यासीन मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे, हतमी नतीजा भी नाजरीन से शेयर करेंगे। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आपको बताएं कि सरदार उस्मान बुजदार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे, उनको वजीर आला पंजाब ऐवान ने मुंतखब कर लिया है, कायद ऐवान मुंतखब हो चुके हैं और जो बाएं साइड पर यानी अपोजिशन बेंचेस पे मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहां पर मौजूद हैं हमजा शहबाज, जो कि उनके लग रहा है कि वो मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी फेस रीडिंग से ये तमाम तर सूरत हाल के उन्होंने कम वोट हासिल किए हैं। ठीक है यासीन, आपसे जानना चाहेंगे कि जकिया शाहनवाज से हमारी नुमाइंदा ने बात की तो वो काफी पुरअज़्म दिखाई दे रही थी, उनकी जानिब से यही कहा गया था कि आज भी हम जीत सकते हैं।